जिस तरीके से चुरू के लोकसभा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, देवेंद्र झाझड़िया को मौका दिया गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन कद्दावर नेता बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ जी हमारे साथ इस वक्त हैं। राठौड़ साहब, कैसा चला चुनाव कैंपेन? आप देख रहे हैं मैं एक गांव में खड़ा हूँ, देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में सभा करने आया हूँ। आप गाँव में उत्साह देख रहे हैं, गाँव का वातावरण देख रहे हैं। यहाँ कतिपय लोग जिस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं, कल तो पार्टी को माँ कहा करते थे, आज सामने खड़े हैं, उनके मुंह से राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा निकलना भी मुश्किल हो गया। कल मोदी जी कहकर गए हैं कि देवेंद्र झाझड़िया का परिवार मेरा परिवार है, संकेत देकर गए हैं कि अगर देवेंद्र झाझड़िया जीतेंगे, भारत सरकार में मंत्री बनेंगे, निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी। जो मुद्दे हैं तो लोगों का उत्साह देखने का मन रहा है जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, लेकिन ये जो मसला जिसका जिक्र आपने भी कर दिया राहुल कस्वा का, उन्होंने कहा कि पार्टी जो है वो अंदरूनी भीतर घात से जूझ रही है। उनकी पार्टी जूझ रही है, उन्होंने सही कहा, कांग्रेस आंतरिक द्वंद में जूझ रही है, कांग्रेस के टुकड़े हजार हुए पड़े हैं यहाँ और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एकाकार है। जो यहाँ के असली मुद्दे हैं, जो चुरू के लोगों के जो असली मुद्दे हैं, वो कितने प्रभावी हैं इस बार, और जो वोट किस पर मिल रहा है इस बार? निश्चित तौर पर विकास पर वोट मिलेगा, निश्चित तौर पर यमुना का पानी चुरू में आए उस पर वोट मिलेगा, निश्चित तौर पर यहाँ जो उद्योग रहित जिला है उसमें उद्योग स्थापित हो उस पर वोट मिलेगा, और डबल इंजन की सरकार है लोगों के समझ में आ रहा है, और डबल इंजन की सरकार से लोगों को उम्मीद भी है। तो डबल इंजन की सरकार से लोगों को उम्मीद है यहाँ पर, राठौड़ साहब जिस तरीके जिक्र कर रहे हैं, और देवेंद्र झाझड़िया भी हमारे साथ यहाँ पर। देवेंद्र जी, पहली बार मौका मिल रहा है एक जो है राजनेता के तौर पर उतरने का, सांसद के जो है एक प्रतिनिधि के तौर पर उतरने का मौका, ज्यादा चैलेंजिंग क्या है, एक खिलाड़ी के तौर पर जनता के बीच जाना या एक नेता के तौर पर जो है जनता के बीच जाना? मैं एक जनसेवक के तौर पे जनता के बीच में जा रहा हूँ, मुझे जनता के काम करने हैं, मोदी जी ने मुझे यहाँ पे भेजा है, ये कल की सभा से क्लियर ही हो गया। यहाँ पे काम करने की बहुत जरूरत है, ग्रास रूट पे। मैंने मेरी जिंदगी में जो संघर्ष किया है, मैं गांव का रहने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ अगली पीढ़ी इतना संघर्ष ना करे, उन तक हर सुविधा पहुँचे, विशेष तौर पे मेरे चुरू लोकसभा में पानी, पीने का पानी और सिंचाई पानी, रेल कनेक्टिविटी, रोड, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पे बहुत ज़्यादा काम करने की जरूरत है, और विशेष तौर से खेल तो मेरा क्षेत्र है, तो उसमें तो मैं काम करूँगा युवाओं के लिए। और ये जो पेपर माफिया थे, इनको जो भजनलाल सरकार अंदर डाल रही है, अब युवाओं में जोश है कि एक ऐसी सरकार आई है जो अच्छी एग्जाम कराएगी, अच्छी जॉब देगी। पिछली सरकार में तो सब इतने निराश हो गए थे, सबसे दुख की बात यह कुछ स्टूडेंट ने आत्महत्याएं तक कर ली थी। अभी जो यहाँ के मसले हैं उन्हें लेकर जो तमाम बातें हो रही हैं, जो विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि पार्टी अंदर भीतर घात से जो है वो जूझ रही है, इनका कुछ असर ग्राउंड पर नजर आता है, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है? आप देख लो, आप ही बता दो कितना जोश है। देखो ये तो मोदी लहर है, ये मोदी लहर है, और मोदी लहर में 25 की 25 सीटें राजस्थान में जीत रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन हमारा एक अलग टारगेट है। जब मैं ओलंपिक में कहता हूँ, मैं ओलंपिक गोल्ड तो लूंगा ही लूंगा, लेकिन साथ में वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा, तो ये रिकॉर्ड ब्रेक होगा, राजस्थान की सबसे बड़ी जीत इस लोकसभा क्षेत्र से होगी। कल कैसा लगा मंच से जब प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र, चुरू में देवेंद्र और साथ में जो है वो राजेंद्र, ये जो तिगड़ी है, किस तरीके की जो है जुगलबंदी करके यहाँ पर दिखाई? नहीं नहीं, बहुत मेरे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है, प्रधानमंत्री जी इतना मान सम्मान देते हैं मुझे, इसलिए देते हैं कि मैंने देश के लिए 3-3 ओलंपिक मेडल, और उन्होंने मेरी माँ की चर्चा की कि कैसे पाला होगा देवेंद्र ने, कितना संघर्ष किया होगा, फिर भी ऊंचाई पे भेजा देवेंद्र को। मैं चाहता हूँ हर युवा को वो अवसर मिले, हर युवा उस देश का नाम रोशन करे, तब जाकर के हम 2047 में विकसित भारत का सपना देखें। ये सरप्राइजिंग था क्या आपके लिए, आपके नाम का ऐलान होना, ये सरप्राइजिंग था या नहीं था, या इसकी कोई चर्चा चल रही थी, कोई दिमाग में था आपका कि चुनाव लड़ूंगा? नहीं, मैं बताऊं आपको, 2 साल पहले हमारा एक लंच था, मेरा परिवार भी गया हुआ था, तो उस टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि देवेंद्र जी आपने बहुत बड़ा काम किया, आपको जिम्मेवारी देंगे, तो मैं खिलाड़ी आदमी में तो समझा नहीं, मैंने सोचा कोई खेल में जिम्मेवारी दे रहे हैं, क्यों कई कमेटियों में हूँ मैं, तो मैंने कहा हो सकता कोई खेल में जिम्मेवारी दे रहे होंगे, अब जाके पता चला, मैं कह रहे हो ये राजस्थान कितना दे रहा है इस बार? 25 की 25
उपड़ा साफ है। हाँ 100% लाखों में जीत होगी, सभी की लाखों में जीत होगी। शुक्रिया। तो ये नरेंद्र देवेंद्र झांझड़िया जो ये कह रहे हैं कि राजस्थान के अंदर सुपड़ा पूरी तरह से साफ होगा और कैंपेनिंग लगातार इसी तरीके से चल रही है पूरे लोकसभा क्षेत्र में और जीत पक्की इसका भी दावा वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देवेंद्र झांझड़िया लगातार इसी तरीके से पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं, चुरू के लोगों से जन समर्थन मांग रहे हैं, जो लोगों से संवाद कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुरू में एक बड़ी रैली कर आशीर्वाद की, उन्होंने मांग की, उन्होंने कहा कि अपना समर्थन जो है वो यहाँ पर देवेंद्र को दीजिए और वैसा ही कुछ यहाँ पर नजर भी आ रहा है। और इसी तरीके से उनके जो काफिले वो लगातार चल रहे हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं, जरा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कैसा माहौल है इस बार चुरू का? इस बार चुरू में 3 लाख वोटों से लीड जाएगी पूरी चुरू लोकसभा में। अच्छा, समर्थन है आप लोगों को क्या इस बार? तो बीजेपी जीत रही है, बीजेपी का सबसे ज्यादा है। अभी जो राहुल कस्वा यहाँ पर फिलहाल सांसद हैं, इस बार उनका टिकट बदल गया, वो चले गए कांग्रेस फोर्ट जो है वो उन्होंने सीट पार्टी जो बदल ली, इसका कुछ असर दिख रहा है यहाँ पर? राहुल कस्वा ने ठीक किया गलत किया? ये जैसे कल प्रधानमंत्री ने भी कहा कि आखिर क्यों जो है उन्होंने देवेंद्र झांझड़िया को मौका दिया, एक गरीब माँ के बेटे उन्हें मौका जो है वो मिलना चाहिए, उसका उन्होंने जिक्र किया, तो सही किया उनको टिकट दे के? बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। आज जो देवेंद्र झांझड़िया यहाँ पर आए हैं अपना जन समर्थन मांगने के लिए, आप लोग क्या कहना चाहते हैं उनको? उनको जिताएंगे फुल फुल सपोर्ट से। तो ये यहाँ पर जो लोग हैं लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी चुरू पहुंचे थे, उन्होंने जिस तरीके से जनसमर्थन मांगा और उसका असर भी ग्राउंड पर नजर आ रहा है। कैमरामैन अजय के साथ सुमित चौधरी, रिपब्लिक भारत, चुरू। जिस तरीके से चुरू के लोकसभा की हम यहां पर बात कर रहे हैं, देवेंद्र झांझड़िया को मौका दिया गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन कद्दावर नेता बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ जी हमारे साथ इस वक्त हैं। राठौड़ साहब, कैसा चल रहा है चुनाव कैंपेन? आप देख रहे हैं मैं एक गाँव में खड़ा हूँ, देवेंद्र झांझड़िया के समर्थन में सभा करने आया हूँ। आप गांव में उत्साह देख रहे हैं, गांव का वातावरण देख रहे हैं, यहाँ कतिपय लोग जिस प्रकार की कोशिश कर रहे हैं, कल तो पार्टी को माँ कहा करते थे, आज सामने खड़े हैं, उनके मुंह से राहुल गांधी जिंदाबाद का नारा निकलना भी मुश्किल हो गया। कल मोदी जी कहकर गए हैं कि देवेंद्र झांझड़िया का परिवार मेरा परिवार है, संकेत देकर गए हैं अगर देवेंद्र झांझड़िया जीतेंगे, भारत सरकार में मंत्री बनेंगे, निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी। जो मुद्दे हैं, तो लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है जहां जहां आप जा रहे हैं, लेकिन ये जो मसला जिसका जिक्र आपने भी कर दिया राहुल कस्वा का, उन्होंने कहा कि पार्टी जो है वो अंदरूनी भीतर घात से जूझ रही है। उनकी पार्टी जूझ रही है, उन्होंने सही कहा, कांग्रेस आंतरिक द्वंद्व में जूझ रही है, कांग्रेस के टुकड़े हजार हुए पड़े हैं यहाँ और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल एकाकार है। अब जो यहाँ के असली मुद्दे हैं, जो चुरू के लोगों के जो असली मुद्दे हैं, वो कितने प्रभावी हैं इस बार और जो वोट किस पर मिल रहा है इस बार? निश्चित तौर पर विकास पर वोट मिलेगा, निश्चित तौर पर यमुना का पानी चुरू में आए उस पर वोट मिलेगा, निश्चित तौर पर यहाँ जो उद्योग रहित तो जिला है उसमें उद्योग स्थापित हो उस पर वोट मिलेगा, और डबल इंजन की सरकार है लोगों के समझ में आ रहा है और डबल इंजन की सरकार से लोगों को उम्मीद भी है। तो डबल इंजन की सरकार से लोगों को उम्मीद है यहाँ पर।